हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ दिवाली के डेकोर डीआईवाईज जिन्हें मैंने अगेन वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं मैंने इन्हें कैसे बनाया है। तो फर्स्ट डीआईवाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड शीट का यूज़ किया है जिसपे मैंने बुकरम शीट को रैप किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट कार्डबोर्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपसे एक DIY शेयर किया था जिसमें मैंने झरोखा शेप का एक वॉल आर्ट बनाया था। उसी का बचा हुआ ये पीस मेरे पास रखा हुआ था जो कि मैंने कार्डबोर्ड से कट किया था। तो मैंने इसकी साइड के एजेस को फिनिश करने के लिए पहले इस पर मास्किंग टेप लगा दिया है और मैं इसे इसके ऊपर फैबिकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दे रही हूँ। अच्छे से स्टिक करने के बाद मैं इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हम कलरिंग करेंगे। कलरिंग के लिए मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। आप कलर स्कीम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल सीजन है, तो हम थोड़े से ब्राइट कलर ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। झरोखा के कलरिंग के लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने मैजेंटा में थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है तब ये कलर बनाया है मैंने, और मैं इसके ऊपर एक्रिलिक कलर से ही पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। एंड पेंट करते समय आप ये ध्यान रहे कि आपका जो ब्रश है वो एक ही डायरेक्शन में चले, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स विजिबल हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको 3D लुक में देने के लिए मैं डार्कर टोन का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और मैं इस तरीके से ब्रश की हेल्प से यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा इसमें डेप्थ दिखे। अब मैंने कटआउट निकाला है ये पिकॉक शेप का एक कार्डबोर्ड से। आप यहाँ पे थिन कार्डबोर्ड यूज़ करें जिससे वो आराम से सीजर से कट जाए और फिनिश लुक मिले। अब मैं इसे पेंट कर दे रही हूँ। पेंट करने के लिए मैंने कुछ येलो, ब्लू एंड रेड कलर का यूज़ किया है। देन इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए और रेंडरिंग देने के लिए मैं यहाँ पे 3D आउटलाइन से इस पर डिज़ाइंस क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप 3D आउटलाइनर से कंफर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्रिलिक गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन पैन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ऊपर के लिए आप कोई भी रेंडरिंग अपने अकॉर्डिंग, कोई भी डिज़ाइन आपको जो समझ में आ रहा है वो करें, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में जो चल रहा था वही मैं बनाए जा रही थी। उसे हम प्रॉपरली ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का 3D आउटलाइनर लिया है। ये एक्चुअली जब हम ग्लास कलर लाते हैं तो उनके साथ हमें मिलता है, तो यहाँ पे मैं उसी से ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ। डिज़ाइन बनाने से पहले मैंने उसे स्केल की हेल्प से ये डायमंड शेप पहले मैंने ट्रेस कर लिए थे, देन उसके बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर इसे क्रिएट कर रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर लुक मिले और एक सारे जो आपके डायमंड हो एक जैसे लगे। देन उसके बाद इसके लुक को प्रॉपरली इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे मिरर का यूज़ कर रही हूँ। आप मिरर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टोन्स या किसी और चीज़ का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिरर लगाने की वजह से ये जो आर्टवर्क है प्रॉपरली इन्हांस हो गया है, जिसका लुक अलग ही निकल के आ रहा है और प्रॉपरली फेस्टिव वाइब्स दे रहा है ये आर्टवर्क। एंड इस तरीके से मैंने इसे पूरा कंप्लीट ले लिया है और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा 3D आउटलाइनर से भी लाइनिंग्स बनाई हैं एंड थोड़े से डॉट्स दिए हैं। अब जो पिकॉक हमने बनाया था उसे हम इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो बनाते हैं नेक्स्ट DIY। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल इस तरीके के बाउल्स का यूज़ किया है। ये एक्चुअली सिल्वर फॉइल फॉर्म में है। तो मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पेटल शेप का कटआउट बना लिया है जो मैंने इस दोने से ही बनाया है। अब मैं इस पेटल को पूरे जो बाउल है उसके ऊपर पेन की हेल्प से ट्रेस कर लूँगी।
ड्रेस करते समय आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रेस करना है, नहीं तो डिज़ाइन इधर उधर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यू एक फ्लावर की शेप देते हुए इसे पूरी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए मैं सीजर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाउल को प्रॉपर शेप में तो हम कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाउल को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप रफली थोड़ा सा कट कर लीजिए इसके आसपास की एजेस को, देन उसमें बाद में फिनिश लुक दीजिए। तो इस तरीके से मैंने सेम पैटर्न में ही दो बाउल को कट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर कलरिंग कर रही हूँ। कलरिंग पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि मुझे कलरिंग करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पर्ल एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा स्ट्रोक्स फॉर्म में इसमें कलरिंग की है। तो इस तरीके से मैंने दोनों जो भी बाउल थे उनको प्रॉपरली कलर कर लिया है, और मैं इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दूंगी फेविकॉल की हेल्प से। और देखिए आप फ्लावर शेप का ये जैसे फ्लावर होता है इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए इसका फाइनल लुक। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसे मैंने कार्डबोर्ड पे बनाया है और ये बहुत ही एंटीक है और फटाफट से जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने पहले एक कार्डबोर्ड पर एक हैंड को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे प्रेसीजन नाइफ की हेल्प से कट कर लूँगी। आफ्टर कटिंग हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा ये कार्डबोर्ड हैंड शेप का। अब मैं इस पर कलरिंग कर रही हूँ। तो कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का यूज़ किया है, बट बाद में जब मैंने इसे फाइनली बनाया तो मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया था। तो मैंने इस पर ब्लैक कलर कर दिया था और इस पर थोड़ी सी मैंने रेंडरिंग भी की थी, जिसके लिए मैंने जो 3D आउटलाइनर होता है गोल्डन कलर का वो यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर रोल, जिसे मैंने हाफ कट कर लिया है। और यहाँ पे आप कोई भी लिड ले लीजिए, आपके जो फूड कंटेनर होते हैं उनकी लिड। अब मैं इस जो आपका टॉयलेट पेपर रोल है, अब इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के लिए मैंने फेविक्विक का यूज़ किया है, क्योंकि प्लास्टिक पे पेपर को अटैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है फेविकॉल की हेल्प से। अब मैं इसे पेंट करूँगी। तो पेंट करने के लिए मैंने पर्ल कलर का ही यूज़ किया है और यहाँ पे मैं पिंक कलर से इसे प्रॉपरली पेंट कर दे रही हूँ। आप कलर अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास पर्ल कलर नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्रेलिक कलर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम कलर से ही मैं इस लिड को भी पेंट कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इस पर कुछ डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी मैंने पर्ल कलर का यूज़ किया था, तो देखते हैं कैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर। कलर किया था उसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जो हैंड है उस पर मैं इस तरीके से होल बना रही हूँ। तो होल के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया, पर उससे हुआ नहीं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी पिन से इसे प्रॉपरली होल किया, नहीं तो ये कार्डबोर्ड टूट जाता अगर मैं ज़्यादा प्रेस से करती। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेल को इस पर हैंग कर दिया है। तो जब बेस कलर पूरा सूख जाएगा तो हम इस पर अब डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने कोई डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, बस मेरे मन में जो आ रहा था, मुझे लग रहा था ये अच्छा लगेगा। जैसे जैसे मेरा ब्रश जा रहा था उसी तरीके से मैं जा रही थी, और मैंने इस तरीके से ये डिज़ाइन इस पर बना दिया। फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरे चैनल पर और भी DIYs हैं जो मैंने पहले बनाए थे दिवाली के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे DIYs वहाँ पे मिल जाएंगे जो मैंने दिवाली के लिए बनाए थे, शायद आपको उनसे कुछ हेल्प मिल सके। और सारी वेस्ट मटेरियल पे डिपेंडेड है और बहुत ही इजीली आप उन्हें बना सकते हैं। तो आगे और डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि गोल्डन कलर का है। तो आप अगर 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन बनाते हैं तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। इसे डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद हम इस पर जो हैंड है उसे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ब्यूटीफुल सा टी लाइट होल्डर रेडी हो जाएगा, एंड आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा कलरिंग चेंज की थी।
आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो आप भी बनाइए घर पे और अपने घर को सजाइए इस दिवाली पर। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।